मैं तरुण जय श्री राम, मैं ब्रजेश पांडे आदाब सिक्किमत एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर असाइनमेंट कब आए, बीए बीकॉम एमएमकॉम का असाइनमेंट जो होता है। आप जानते हैं कि YCMO में 80% थियरी होती है जो लिखना पड़ता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है क्या, क्लिक करके आंसर देना है। नो इट्स नॉट लाइक दैट। 80% मतलब 80 मार्क का पेपर आता है आपका और 20 मार्क का होम असाइनमेंट होता है। मतलब यूनिवर्सिटी दिसंबर के महीने में नवंबर लास्ट या दिसंबर तक अपलोड कर देती है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही। वहाँ से आपको प्रिंट आउट लेकर के आपके स्टडी सेंटर से वो प्रिंट आउट मिल जाएगी आपको। वो सारी जितने सब्जेक्ट हैं सबका आपको घर पर जाकर 5 क्वेश्चन रहते हैं उनका आंसर लिख करके लाना है और ला करके आपको घर पर लिखना है। 3 फाइल बनानी है, खुद के लिए, एक स्टडी सेंटर के लिए और एक यूनिवर्सिटी के लिए। 2 सबमिट करनी है, एक अपने पास रखनी है। अपने पास जो रख रहे हैं वो आपकी जेरॉक्स कॉपी भी हो सकती है, लेकिन 2 ओरिजिनल 2 लिखनी ही पड़ती है। अब आते हैं कि ये 20 मार्क का होता है और आपका जैसे व्यवहार रहेगा, मतलब जिस तरह से आप क्लास अटेंड करते हैं, क्या है आपका अपीयरेंस क्लास में, आपके मार्क, आपकी क्लास की प्रेजेंटेशन कैसे है और कैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपकी रेगुलरिटी कैसी है, उन सब पर आपके 20 मार्क्स होते हैं। और आप कैसे थियरी में कर रहे हैं एग्ज़ाम में, रिटन में, उसका भी इम्पोर्टेंस इसमें होता है। तो 80 मार्क का पेपर होगा, 20 मार्क का जो आपका होगा असाइनमेंट घर पर जाकर लिखना है। तो ये आपका परसेंटेज बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। नवंबर लास्ट या दिसंबर में अपलोड होगी तो मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरे और 3-4 वीडियो हैं होम असाइनमेंट, सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं आपका PRN नंबर कब जनरेट होगा। PRN नंबर आपका जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है फॉर्म ऑनलाइन, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर जब आप प्रिंट आउट देते हो स्टडी सेंटर को, प्रिंट आउट देने के बाद भी वो लोग वेरीफाई कर ओके कर देते हैं डॉक्यूमेंट चेक करके। अगर आपकी प्रॉब्लम जैसे एज 18 ईयर्स के से कम है या आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, नहीं तो आपका एडमिशन अप्रूव हो जाता है। तो PRN नंबर भी आ जाएगा। PRN नंबर आ गया, अब PRN नंबर के बाद अगला जो स्टेप होगा क्लास शुरू होनी, स्टडी सेंटर आपको जाना है, उससे पता चलता है कौन सा लेक्चर कब है, क्या पढ़ाई चल रही, सब्जेक्ट क्या है, बुक्स कौन कौन सी हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले PRN नंबर आता रहेगा, उसको टेंशन मत लेना, वो एग्ज़ाम के पहले ही उसकी ज़रूरत होती है बस हॉल टिकट के लिए, बाकी PRN की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब क्लास 7 या 14 तारीख से शुरू होगी, आप अपने स्टडी सेंटर कॉल करिए, विजिट करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जल्दी जल्दी क्लास शुरू करें। हो सके तो क्लास की टाइमिंग जो है दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू यू। थोड़ा बहुत अगर 10-20 बच्चे हैं जाकर रिक्वेस्ट कर दिए सर थोड़ा आगे पीछे कर दो तो दे विल डू। और हर दिन कम से कम 3-3 लेक्चर रोज हर संडे चलेंगे। अब आते हैं प्रिपरेटरी एग्ज़ाम के बारे में। अच्छा, होम असाइनमेंट ये दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम के पहले आ जाता है ताकि आप कंप्लीट कर लें और उसी बहाने थोड़ा रिवीजन हो जाता है, बुक की पढ़ाई भी हो जाती है। अब आते हैं प्रिपरेटरी के बारे में। जो प्रिपरेटरी एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर मिड या एंड तक, नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, दोनों तरीक़ों से आपको पता चलेगा। स्टडी सेंटर पर आपने जहाँ एडमिशन लिया है प्रिपरेटरी का, वहाँ भी पता करते रहिए, वो भी आपको बताएंगे। C19 की बुक मिलेगी, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने भी डेमो अपलोड किया है, वीडियो मेरे पास है, उसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, आप एकदम थ्रू हो जाएंगे। जो डाउट है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप प्रिपरेटरी का एग्ज़ाम जब देंगे उसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा और रिजल्ट लेकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। प्रिपरेटरी वालों का एडमिशन तब तक चालू रहेगा जब तक प्रिपरेटरी का रिजल्ट नहीं आ जाता, उसके बाद 10-5 दिन दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से, वो भी एडमिशन करके इसी बैच के साथ वो भी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे और उनका भी असाइनमेंट साथ में आएगा। उनका भी एग्ज़ाम अप्रैल मई में ही साथ के साथ में होगा, उनकी भी पेपर पैटर्न सब रही। और ध्यान रखिए YCMU का पेपर पैटर्न बदल चुका है, जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, केवल थियरी लिखनी होती है, ठीक है। 5-5 मार्क के होते हैं वो, मैं आपको पेपर का पैटर्न है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। YCMU पेपर पैटर्न ऐसा लिख करके मेरा एक वीडियो है, ठीक है, उसको आपको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका क्लास शुरू कर दीजिए और प्रिपरेटरी का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है ना, तो प्रिपरेटरी की प्रिपरेशन क्लासेस चलते हैं जहाँ में आपने एडमिशन लिया है। अगर क्लास नहीं चलती जाकर पूछेंगे तो आपका गाइडेंस करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के रूल में है कि प्रिपरेटरी एग्ज़ाम के पहले आपका स्टडी सेंटर आपको गाइड करेगा ही करेगा। तो जिनको यह वीडियो नहीं आप देख रहे हैं अपने मित्रों को बता दीजिए ताकि वो गाइड कर सकें, उनसे समझ सकें और चीज़ों को ले सकें, ठीक है। तो एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के तुरंत बाद एग्ज़ाम की आपको पढ़ने के लिए केवल कितना मिलेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 6 महीने पढ़ने के लिए मिलते हैं और अपने लास्ट या मई में एग्ज़ाम हो जाता है।
केवल 6 महीने हैं, कोर्स थोड़ा बड़ा है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो डाउट होती है स्टडी सेंटर पर जाइए मिलिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 80 मार्क में से अच्छा मार्क लाने का प्रयास करिए। इंटरनल मार्क में जो होम असाइनमेंट का 20 मार्क होता है उस पर तो है ही है, आपको 10-15 मार्क मिल ही जाते हैं, लेकिन बाकी वहाँ से भी पास होने का चांस करिए और 40 मार्क आपको लाने हैं पास होने के। मैं अभी से प्रिपरेशन की तैयारी आपको बता दिया कैसे करना है। आप स्टडी सेंटर में जाइए, क्लास अटेंड करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जहाँ जो डाउट है मुझसे पूछिए। और भी कोई कमेंट, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर होम असाइनमेंट का, इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग एक बार ही सब्सक्राइब करना पड़ता है, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। किसी और जानकारी के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।